राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में सियासी हलचल तेज हो गई है। सतीश पुनिया के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी पोस्टर से हटा दी गई वसुंधरा राजे को एक बार फिर पार्टी पोस्टर में जगह मिल गई है। पिछले दो साल से पार्टी मुख्यालय पर लगे बड़े होर्डिंग्स में केंद्रीय नेताओं के साथ गुलाब चंद कटारिया और सतीश पुनिया की ही फोटो पोस्टर में थी। इसमें वसुंधरा राजे को भी पार्टी के फेस के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। पार्टी के इस बदलाव के बाद राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे की चुनावी भूमिका को लेकर कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। युगों से पार्टियों के पोस्टर और होर्डिंग्स ने अक्सर संकेत दिया है कि हवा किस तरफ बह रही है, या कम से कम राजनेता हमें यही विश्वास दिलाते हैं। उस संदर्भ में जयपुर में भाजपा के राज्य कार्यालय के बाहर एक नए चेहरे के साथ एक होर्डिंग्स पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। वह नया चेहरा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग्स में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बाएं कोने में थे, जबकि कटारिया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया दाएं में थे। होर्डिंग्स में राजे नहीं थे, अब कटारिया और पुनिया की आकार में मिलती जुलती तस्वीरों के बीच राजे हैं। पुनिया के करीबी जो राजस्थान भाजपा में राजे के मुख्य विरोधियों में से एक है, इस बात से इनकार करते हैं कि पोस्टर का कोई मतलब है। कुछ महिला जन आक्रोश यात्रा के पोस्टरों में भी उनकी तस्वीर थी, तो यह कोई नई बात नहीं है, एक पुनिया समर्थक ने कहा। यह केवल सामूहिक नेतृत्व एकता का संदेश भेजने के लिए। यदि आप अन्य राज्यों को देखते हैं जहां चुनाव होते हैं, तो आप एक समान पैटर्न देखेंगे। यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों को अंततः पोस्टरों और होर्डिंग्स में चुनाव के दृष्टिकोण के रूप में जगह मिलती है। इसी तरह राजस्थान के केंद्रीय मंत्रियों से चुनाव के करीब पार्टी के होर्डिंग्स पर आने की उम्मीद की जा सकती है, समर्थक ने कहा। हालांकि पुनिया को सितंबर 2019 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद पार्टी कार्यालय के बाहर और राज्य के अन्य हिस्सों में पार्टी के होर्डिंग से राजे का चेहरा गायब हो गया था। वहीं पोस्टर को लेकर राजे समर्थक का कहना है कि नए लोग आए, उन्हें जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन पार्टी कई उपचुनाव हार गई, जन आक्रोश यात्रा को ठंडी प्रतिक्रिया मिली और पार्टी के भीतर विभाजन जैसे अन्य मुद्दे भी हैं। राजे के समर्थक ने कहा कि यह वह थी जिन्होंने 2003 में भाजपा को पहली शुद्ध जीत और 2013 में इसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन राज्य इकाई को बनाए रखते हुए दिया। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में बीजेपी ने 1990 में 85 और 1993 में 95 सीटें जीती थी। राजे के समर्थक ने कहा कि वे अकेले पोस्टर से नहीं जा रहे थे, यह पूरी कहानी नहीं बताता है। पोस्टरों पर उनकी अनुपस्थिति के बावजूद वह मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।